फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहली बात है कि पार्टिकल्स ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं सबकी स्पीड देख लीजिए। एक तो ये फोटोन ऑलवेज ट्रेवल्स, मैंने बोला था ना, इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन थ्योरी पर बेस्ड है पूरा। इसमें हम वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट एकदम रिवर्स आएंगे, वो भी आप अभी समझ जाएंगे कैसे रिवर्स आएंगे। तो ये फोटोन ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड सी इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, इन वैक्यूम जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल के आती है कितनी निकल के आती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है आपके कि एनर्जी कितनी होती है फोटोन के पास, मोमेंटम कितना होता है फोटोन के पास। तो फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है बताइए, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी होती है अगर लाइट की वेव फ्रिक्वेंसी न्यू है। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन बताइए कोई जल्दी से, एनर्जी ऑफ सिंगल, हाँ एच न्यू या फिर HcI लेमडा। यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है उसकी। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है, आपको एच की वैल्यू होती है 6.626×10^-34 जूल सेकेंड होती है, याद रखनी है, याद भी है आपको। तो ऑल फोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी वेवलेंथ लाइट की कोई लेमडा वेवलेंथ की लाइट है तो बस उसके हर फोटोन की एनर्जी सेम है। न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट है तो फिर उसके सारे फोटोन्स की एनर्जी सेम है। और मोमेंटम क्या होता है, ये तो एनर्जी हो गई फोटोन की, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम कैसे डिफाइन है फोटोन का, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या कैसे देते हो, अगर लेमडा वेवलेंथ का लाइट का फोटोन आ रहा है, इसलिए तो लाइट फोर्स भी लगाएगी, रेडिएशन प्रेशर पड़ेंगे अभी अपन डिटेल में। ठीक है ना, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स के पास मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम कैसे डिफाइन है लाइट के पार्टिकल का, HcI लेमडा। तो एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम ये है, सिंगल फोटोन की एनर्जी ये। ठीक है, तो गलती ना करें इसमें बिल्कुल भी। बस अब बाकी अपन यूज का एक एग्जांपल कर सकते हैं इन सारी चीजों पर भी, यही है अपनी फोटोन का मतलब। हर फोटोन की स्पीड पता है आपको, हर फोटोन की एनर्जी पता है, हर फोटोन का मोमेंटम पता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम से अगर मैं शुरू करूं तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता पाएंगे। देखो एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए आप, हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड, हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड, हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाई 5 MW लेजर सोर्स, लेजर सोर्स ऑपरेटिंग एट, ऑपरेटिंग एट 632.8 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की लेजर लाइट थी तो हाउ मेनी फोटोन आर एमिटेड पर सेकेंड, तो मैं इसको पी नॉट बोल रहा हूँ, पी नॉट पावर का मान लो वेरिएबल के टर्म में निकाल लें, और ये लेमडा है तो पी नॉट पावर का सोर्स है और उसकी वेवलेंथ जो लाइट निकल रही है लेमडा है। तो क्या आप नंबर ऑफ फोटोन बता सकते हैं क्या पी नॉट और लेमडा की टर्म में, लेमडा नॉट कह दो चलो, तो पी नॉट और लेमडा नॉट की टर्म में नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितने निकल रहे हैं बता सकते हैं क्या आप, हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाई 5 MW लेजर सोर्स, या पी नॉट कर दो आप, तो पी नॉट की टर्म में बताओ कैसे बताओ। तो इसमें आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। बिल्कुल अर्पित सही कह रहे हो, ले मान लो कि n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड कितनी होगी, n क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, बहुत सिंपल है बेटा, हद से ज्यादा सिंपल है, पहले भी बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल n मान लिया मैंने। ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड मान लिया स्मॉल एन है आपका,
तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी निकल रही है, पी नॉट आपके जूल पर सेकंड है। हाँ, तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड है, तो एनर्जी पर सेकंड यही हो जाती एन एस सी बाई लेमडा, और वो आपको क्या दे रखी है, पी नॉट के बराबर दे रखी है। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमेशा आप इसके पावर अगर पता है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ऐसे निकलेंगे बेटा, कितने निकल रहे हैं, या कहीं इतने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे करेंगे। आप सिंगल फोटोन की एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ 80 लेमडा है पर सेकंड, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स एन निकल रहे हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है पर सेकंड, एन इंटू 80 बाई लेमडा नॉट, वो किसके बराबर है, पावर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्मॉल एन कितना निकल के आ जाएगा, देखो स्मॉल एन आ गया आपका पी नॉट लेमडा नॉट अपॉन एच सी के बराबर आ गया। तो आप इसमें एच सी की वैल्यू सब डाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 × 10^16 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि एच सी की जो वैल्यू है ये आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी से याद कर लीजिए, H × C 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, बार बार नहीं बतानी पड़े मुझे, ध्यान रखें इसको। एच सी को आप डायरेक्टली यूज करेंगे, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और दूर दूर आंसर दिख रहे हैं आपको, तो आप कैलकुलेशन और सिंपल कर सकते हैं, 1240 ले लीजिए इसको। ठीक है, 1200, इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा, दोनों में याद कर लें, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, बट याद रखिए मैंने बोल दिया। ठीक है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये आपके H × C का प्रोडक्ट है, आप रख के देख लीजिए इसको कन्वर्ट करके, इसकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है। पहले आप जूल मीटर में निकालिए, जूल मीटर में निकालेंगे आप, फिर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो H × C की वैल्यू याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसमें, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक।